नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल की बात। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑटोमेटिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम 2 के बारे में कि इस सिस्टम में फाइल को कैसे सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने लॉगिन पेज ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर हम साइन इन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है, तो मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आईडी ओपन हो चुकी है। अब हमें न्यू फाइल सबमिट करनी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यू प्लान सबमिशन में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें नई फाइल सबमिट करने के लिए प्लान को ओके करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा न्यू फाइल सबमिशन के लिए फॉर्म ओपन हो चुका है। अब हमें किस टाइप का प्लाट है हमारे पास, सिंगल प्लाट है या मल्टी प्लाट है, इसको क्लिक कर देना है। तो हमारे पास तो अभी सिंगल प्लाट है, तो सिंगल प्लाट क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें देखना है केस टाइप कौन सा है। दोस्तों, हमारे पास नया प्लान बनाना है या फिर दूसरा ऑप्शन है पुनर्निर्माण करना है, तो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कुछ बदलाव करना है, हमें अल्ट्रेशन एडिशन करना है, या फिर जो पहले से प्राप्त अनुमति का प्लान है उसमें वापस कुछ बदलाव करना है, तो अल्ट्रेशन एडिशन करना है हमें, या फिर उसको तोड़ना है। दोस्तों, हम इसमें देख लेंगे हमारे हिसाब से हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अभी हम नया प्लान सबमिट कर रहे हैं, तो न्यू डिटेल प्लान पे ओके कर देते हैं। दोस्तों, अभी हमारे पास यहाँ पर कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी भरी रहेगी, अब हमें यहाँ पर जिस किसी का भी प्लाट की फाइल सबमिट करनी है उस क्लाइंट का नाम डालना है, तो यहाँ पर डाल देते हैं नाम, तो फॉर्म भर फिलअप कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए हम किसी का भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो उसका नाम डालेंगे। हम अभी डाल लेते हैं हमारे चैनल का नाम सिविल की बात। तो दोस्तों, आपको जिस भी क्लाइंट का नाम है वहाँ पर डाल देना है, उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो भी हो उसका मोबाइल नंबर। अब उसका फुल एड्रेस डालना है हमें, जैसे हम डालते हैं तो दोस्तों, ये हम उसका फुल एड्रेस डाल देंगे जो ये हमारा प्लाट का है। अब उसकी ईमेल आईडी डालते हैं, तो ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों, हम उसकी अब ईमेल आईडी डाल देते हैं। अब बिल्डिंग किस यूज से बना रहे हैं, अपने सेल्फ यूज के लिए या फिर बेचने के लिए। तो हम सेल्फ यूज के लिए बना रहे हैं, तो सेल्फ यूज को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लेआउट प्लान अप्रूवल टाइप में करना है हमें, यहाँ पर देखना है हमें प्लान अप्रूव, पहले से अप्रूव है या फिर यूजल द्वारा कॉलोनी नियमित की गई है या फिर यूजल क्षेत्र को मेंटेन कर रहा है। तो हम कॉलोनी पहले से ही अप्रूव है, तो ये वाला प्लान ओके कर देते हैं। अब स्पेशल एरिया है, तो इसमें सिलेक्ट करते हैं उधर प्रॉपर्टी एरिया जो भी हमारे पास वो हम डाल देंगे हमारा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अब रो टाइप में भी ऑर्डर कर देते हैं, प्लेस सिलेक्ट करना है हमें, यहाँ पर आपकी प्लेस सिलेक्ट कर देंगे हम, जोन कौन सा है। तो
दोस्तों हमने यहाँ पर कॉलोनी का नाम सिलेक्ट कर लिया है। अब हम प्लॉट नंबर सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर प्लॉट नंबर 10 कर देंगे। अब इसे हम नेक्स्ट कर देंगे तो हमारे पास अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग यहाँ पर सभी में नो ही आएगा। आप फिर से एक बार ऑप्शन को देख लीजिएगा जो सेंसिटिव जोन में तो नहीं, नजूल एरिया में है, या जो भी ऑप्शन हो उस हिसाब से आप यस या नो क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका प्लॉट कॉर्नर है या कॉर्नर है तो यस कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर प्लॉट की डिटेल देनी थी, रोड हमारे प्लॉट के फ्रंट में क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, तो पूरी डिटेल हम दे देते। तो फ्रंट में हमारे रोड है, रोड कितना मीटर है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 25 फीट 7.6 मीटर। रियर में क्या है हमारे, मान लेते हैं हमारे पास रोड है, पार्क है, प्लॉट है या उधर है, तो जो भी हमारे पास हो जिसे हमारे पास प्लॉट है तो प्लॉट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब किसी का भी नाम डाल देंगे जिसका भी प्लॉट हो, इसे ही साइड में सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी नाम डाल देंगे और साइड में क्या है वो सिलेक्ट करके जिस किसी का भी प्लॉट हो तो वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। दोस्तों अब आ जाते हैं रोड डिटेल पर। तो यहाँ पर आपके पास वाटर सप्लाई सेंक्शन है या फिर सेंक्शन नहीं है, तो यदि आपके पास सेंक्शन है, वाटर कनेक्शन लिया हुआ है वाटर सप्लाई का, तो यस कर दीजिएगा, और यदि नहीं लिया हुआ है तो नहीं कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पानी की सप्लाई अभी नहीं है तो हम नो पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें रोड टाइप एक्सकेवेशन पर्पस, मतलब यदि आपके रोड का खुदाई का कार्य हुआ तो वह रोड किस टाइप का है आपके घर के सामने, तो वह यहाँ पर आपको देना है। आपके पास सीमेंट का रोड है तो सीमेंट कर दीजिएगा, कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट कर दीजिएगा, मेटल रोड है तो मेटल रोड, या फिर ओदर कच्चा रोड है तो ओदर कर दीजिएगा। तो अभी हमारे पास कॉन्क्रीट टाइप का रोड है तो कॉन्क्रीट कर देते। अब हमारे प्लाट की कुल लागत कितनी आएगी, मतलब प्लाट बनाने में, मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हमको यहाँ पर लेनी है। तो वह हमारे हिसाब से हम निकाल लेंगे कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। यदि आपको कुछ समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि प्लॉट की, मतलब बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, वो हम आपको बता देंगे। तो हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं 980,000। तो दोस्तों ये हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट मानकर चल रहे हैं हम G+1 की, तो हमें इतना खर्चा आएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। नेक्स्ट पेज हमारा तीसरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी पहुँच सेवा कितनी है ये हम देखेंगे कि पहुँचने का मार्ग एक साइड से है या दो साइड से, तो वन साइड करेंगे या टू साइड, हमारे पास वन साइड है तो वन साइड क्लिक कर देंगे, या दो तरफ से हम प्लॉट पर जा सकते हैं तो टू साइड कर देंगे, जो भी हो। अब उसकी लेंथ हमें 0 रखनी है, यहाँ पर भी 0 रखनी है, आप अपने हिसाब से एक्सिस लेंथ डाल सकते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है प्रोविजन फॉर दिव्यांग, मतलब दिव्यांग व्यक्ति के लिए आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक डाल देंगे 1 रैंप प्रोवाइडेड। यदि आप 2 रैंप प्रोवाइड करना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है लैंड यूज, तो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे हमारे पास रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रिएक्शन है, मतलब हम जिस टाइप का भी रोड बना, मतलब हमारा बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो उस टाइप का हम लिख देंगे। जैसे आवासीय है या फिर व्यावसायिक है या औद्योगिक है, मनोरंजन के लिए है, अब यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं और अपने हिसाब से सिलेक्ट कर देंगे। यदि वह जिस यूज़ के लिए, यदि एग्रीकल्चर यूज़ के लिए तो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज है तो ट्रांसपोर्टेशन, अब जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम रेसिडेंशियल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर देते हैं। अब लैंड सब यूज में भी हम रेसिडेंशियल ही कर देंगे। अब आपका प्लाट रेगुलर है या इनरेगुलर है, मतलब आपका प्लाट आड़ा तिरछा है
तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, मतलब उसकी चारों भुजाओं में लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस है तो आप इन रेगुलर में सिलेक्ट करेंगे, और यदि आपका प्लाट रेक्टेंगुलर है तो नो पर ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। अब यहाँ जाते हैं बिल्डिंग यूज़ में, तो बिल्डिंग यूज़ में आप किस यूज़ के लिए बना रहे हैं, किस यूज़ में लेंगे, असेंबली के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, आप जो भी इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम अभी रेसिडेंशियल के लिए बना रहे हैं तो रेसिडेंशियल सिलेक्ट कर देंगे। बिल्डिंग एक्टिविटी में भी हम ऑप्शन देख लेंगे, हमारे पास रेसिडेंशियल के लिए है, इधर अपार्टमेंट तो ले नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर रो हाउस है, सेमी डिटेच्ड है, डिटेच्ड प्लान है, जो भी हमारे प्लान है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास रो हाउस है। दोस्तों इनमें डिफरेंस क्या होता है, रो हाउस क्या होते हैं, सेमी डिटेच्ड प्लान प्लाट क्या होता है और डिटेच्ड प्लान क्या होता है, यदि आपको कुछ समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और इसका एक वीडियो हम अन्य तो दोस्तों हम इसका अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जब भी हम इसका नया वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगले ऑप्शन पर चलते हैं हम, टाइप ऑफ बिल्डिंग पे। तो यहाँ पर हम बिल्डिंग की 12 मीटर हाइट लेके चलते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन आ रहा है तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम रोज से तो रोज हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब प्लाट की विड्थ, हम हमारे पास जो भी प्लाट सबमिट करेंगे उसकी ड्राइंग बनाएंगे उसकी विड्थ क्या है तो हम वह डाल लेते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास प्लाट की साइज जिसकी विड्थ है 6.09, इसकी डेप्थ 12.8 मान के चलते हैं, और उसका टोटल ग्रॉस एरिया, तो यह दोनों का ऑटोमेटिक इंटू होकर आ जाएगा ग्रॉस एरिया में। अब रोड विड्थ वाइंडिंग में कुछ जा रहा है हमारा तो कुछ नहीं जा रहा है, जीरो। यदि रोड वाइंडिंग छोड़नी है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कितना एरिया हमारा जा रहा है। टोटल प्लॉट का एरिया आ जाएगा कितना लिखना है हमें, टोटल जो ये हमारा इंटू आएगा वही हमारा यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ रोड विड्थ हम ऑलरेडी भर चुके तो वो आ गई 6.76, उसका फ्रंटेज कितना लिखना है हमें, जो हमारा फ्रंट है प्लाट का ये हमारा फ्रंट है तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 6.09। दोस्तों आप इधर आ जाते हैं, प्लाट का बिल्ट अप एरिया कितना है, तो दोस्तों हम प्लाट कितने एरिया में हम बनाना चाह रहे हैं तो उसका बिल्ट अप एरिया लिख देंगे G+1, और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर दोनों का बिल्ट अप एरिया टोटल करके हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम कितना बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास बना रहे हैं हमारे पास यह हमने निकाला कैलकुलेशन करते तो यह आ रहा है। अब हमें कवरेज एरिया कितना लें, तो दोस्तों यह आपके यहाँ नगर पालिका के जो नियम रूल है उसके हिसाब से आपको कितना कवरेज दे रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम मान लें अभी 60% के हिसाब से कवरेज हमको ग्राउंड दे रहे हैं। अब बिल्डिंग हाइट कितनी ले रहे हैं, तो बिल्डिंग हाइट हमारी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर मिला के 6.7 हो रही है, तो दोस्तों यह हाइट हमें यहाँ पर लिख देनी है। नंबर ऑफ फ्लोर कितने ले रहे हैं, G+1 की बात करें तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तो एक फ्लोर है हमारे पास, तो ये हम 1 पर क्लिक कर देते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोस्तों आप इस ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है उस ऑप्शन में ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने, तो हम रेसिडेंशियल कर रहे तो रेसिडेंस सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, जो भी हम बनाएंगे फाइल जो VPS2 के सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनती है वह हम फाइल बनाएंगे। तो दोस्तों यह फाइल कैसे बनाई जाती है हम वह फाइल भी आपको बनाना सिखाएंगे। यदि हमें इस वीडियो पर रिस्पॉन्ड मिलता है, यदि हमारे इस वीडियो पर लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं और लोग इसको शेयर करते हैं, और यदि हमें लगेगा कि हमें अगला वीडियो ड्राइंग कैसे बनाते हैं बनाना चाहिए तो हम वह वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें अगला वीडियो बनाना है या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर उस फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर फाइल सिलेक्ट कर ली है ऑटोकैड की, जो हम बनाते हैं वो आपको बता। दोस्तों अब हमें नेक्स्ट पर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भरनी है, तो आप चेकलिस्ट आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। तो आपका प्लाट कॉलोनी में एग्जिस्ट है तो यहाँ पर एस कर दीजिएगा। आपकी कॉलोनी लीगल है इलीगल है तो लीगल ही कर दीजिएगा, क्योंकि इलीगल में तो आपको आपकी परमिशन मिलेगी ही नहीं, तो आपकी कॉलोनी लीगल होगी तभी आपको परमिशन दी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी, ये उनके नाम आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन पढ़ना है और यस या नो करना है। तो आपके यहाँ आप पानी की लाइन अवेलेबल है या नहीं, तो है तो यस कर दीजिएगा, नहीं हो तो नहीं कर दीजिएगा। सीवरेज सिस्टम है तो हाँ, तो हाँ यहाँ पे नहीं, यस या नो कर दीजिएगा। अब ड्रेनेज सिस्टम ओपन है या क्लोज है, तो दोस्तों आपके यहाँ ओपन है या क्लोज है उस हिसाब से आप यहाँ पर, तो ओपन सिस्टम यस या नो में ओपन है तो यस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यह हम पूरा ऑप्शन देख लेंगे, लगभग यहाँ पर नौ ही ऑप्शन अब आएंगे, तो आप अपने हिसाब से पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या करना है, उस हिसाब से सभी ऑप्शन फिल कर दीजिएगा। लगभग यहाँ के ऑप्शन सभी नौ ही आते हैं, फिर भी आप पूरे पॉइंट को पढ़िएगा और फिर उसे समझ के पूरे को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अगला ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट अफेक्टेड में क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों सभी, अब यहाँ पर एक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। दोस्तों अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन कौन सी वायर कितनी है के वी ए की, इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो आप लगभग रहवासी क्षेत्र में 11 से 33 किलोवाट की एम्पियर की लाइन रहती है, तो ये सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर अगला ऑप्शन है आपका कि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन की, मतलब आपके प्लॉट से आपके घर से इलेक्ट्रिक लाइन की दूरी कितनी रहेगी। तो दोस्तों आप वहाँ पर देख लीजिएगा कितनी दूर है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे यहाँ 25 मीटर दूर है इलेक्ट्रिक लाइन का पोल या उसकी लाइन, जो भी हो वहाँ पर आप नाप लीजिएगा और यहाँ पर स्टॉप कर दीजिएगा। इन ऑप्शन को दोस्तों खाली छोड़ दीजिएगा। अब आता है हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो हमें कौन कौन से लगाने हैं, इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वह वीडियो भी जानना है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कौन कौन से अपलोड करना है, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सब आपके पास जो जो अवेलेबल वीडियो रहेंगे वो आप अपलोड करना है, फिर यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यह डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो हम अभी अपलोड कर देते कोई से भी। दोस्तों यहाँ पर जो लाल मार्क लगे हुए ये वाले, मतलब ये डॉक्यूमेंट तो हमें अपलोड करना ही करना है, इसके बिना हमारी फाइल सबमिट नहीं होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी टेम्परेरी कोई से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वह कहाँ से लाना है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो वह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम अगला नया वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं सबमिट पर। यह अर्थक्वेक डॉक्यूमेंट मंग रहा है, तो अभी हम अपलोड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ हमने भूकंप का भी अपलोड कर दिया है, यहाँ पर अभी हम टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। लगभग यह सभी डॉक्यूमेंट मंग रहा है, तो दोस्तों जो जो भी डॉक्यूमेंट मंगेगा वो हम सबमिट कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो हम डायरेक्ट अगले पेज पर आपको ले चलते हैं। दोस्तों हमने सभी डॉक्यूमेंट कर दिए हैं, अब आपको सबमिट बटन पर ले चलते हैं, या फिर आगे क्या आता है, हम सबमिट कर देते हैं।
तो दोस्तों आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन हो गई है। तो अब हम इस पर हमें पेमेंट शो कर रहा है कि हमें नगर पालिका को इतना पेमेंट 98 रुपीज़ पे करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके हम प्रोसीड पर करेंगे तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको कुछ समस्या आ रही है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़।